हल्का अबाब में वेलकम कहते हैं नाजरीन आपको सेनेट के इलेक्शन का शोर है सेनेट के इलेक्शन में जो लेन देन भाव तव हो रहा है उस पर बात हो रही है इस सारे सिस्टम में एक किरदार जो बहुत अहम है वो है एम एन एम पी ए का जिस पर बात नहीं हो रही एम एन एम पी ए का किरदार किस तरह अहम होता है ये हम आपको अभी एक अपनी ओपनिंग में बताएंगे कि एम एन एम पी ए जो अपने हल्के से अवामत करके भेजती है वो अवाम का चुनाव होता है जिसने असम्बली में जाना होता है और असम्बली में जाकर उसी आवाम की नुमाइंदगी करनी होती है उनके मसाइल का हल तलाश करना होता है अब जो ये चुनाव है ये आवाम क्यों करती है अवाम को, किस का करती है आवाम बेहतरीन पढ़ा लिखा शख्स बेहतरीन ईमानदार सादक और अमीन और फिर एक सोने की तरह सच्चा और सुच्चा शख्स एम और एम बनाए और फिर वो चाहते ये हैं कि वो जाए असम्बली में जाके हमारे लिए काम करे हमारे हकूक़ की बात करे, कानून साजी करे और फिर आवाम की जो उनके मसाइल हैं उनके हल की बात करे फलाह बहबूद की बात करे, तो ये सारा जो सिलसिला है ये एम एन एम पी ए की ज़िम्मेदारी है अब इस्लामी जहूरी पाकिस्तान जिसके आइन में शामिल है कि कोई कानून साजी कोई बात कानून और शरीत से मतदिम नहीं हो सकती फिर बासठ तिरसठ है कि जिस जो आएंगे वो दिक और अमीन होंगे तो यानी कानून साजी में भी शिक मौजूद है और फिर जो आएगा उसके किरदार के हवाले से भी बासठ तिरसठ मौजूद है तो वो उस मैार पर पूरा उतरता है कि अवाम की नुमाइंदगी करे अब देखना यह है कि सैनट क्या है अवान वाला सैनट में जो सैनिटर मंतख होता है वो एम एन एम पी ए के, के वोट से मंतख होता है और ये मंतखब होना का अमल देखें कि जो अवाम ने बेहतरीन लोगों का इंतखब किया सोने की तरह के साफ शफाफ लोग चुन के लाए कि यह एम एन एम पी है हमारे और ये हमारे लिए बात करेंगे वो बेहतरीन लोग सेनेट में इंतख्य करेंगे खुद से भी बेहतरीन लोगों का है बाला में क्योंकि वहाँ मुल्क और अवाम के लिए बड़ा अहम काम होना है सेनेटर क्यों बनाया जाता है सेनेटर की जरूरत क्या है उसकी जरूरत इसलिए होती है कि जो एम एन एम पी है सैनटर का हल्का इंतखा कोई नहीं होता एम एन एम पी ए का हल्का इंतखा होता है उसको अवाम मंतब करके लेके आते हैं उससे अवाम के साथ रबते में रख इधर उधर होना है रबते करने हैं रैलीज में शिरकत होनी है अब अपने हल्के में जाना है काम करना है मीटिंग्स करनी है तो सैनिटर के लिए ये कहा गया है कि वो पुरसकून होकर एक दानशवर बड़ा आदमी मुल्क और अवाम के लिए पॉलिसी साज बने अब चूंकि ये बेस्ट लोग और बेस्ट लोगों का इंतब ये है यानी बेहतरीन लोग इंतब करने वाले और बेहतरीन लोगों का इंतखब हो रहा है तो फिर ये क्या होता है जो हो रहा है सत्तर करोड़ की बोलियां कहाँ से आ गईं एम एन एम पी ए क्या किरदार अदा करते हैं सैनिटर इतने पैसे कहाँ से लाता है इतना गरीब मुल्क है और अवाम किसी ने सोचा है कि ये जो सारी चीज़ें जेर बहस आ रही हैं इसमें अवाम क्या सोच रहे हैं उनके सामने क्या आ रहा है कि एम एन एम पी ए को हमने मुंतब नुमाइंदा करके भेजा था सैनिटर सत्तर इकहत्तर करोड़ की बोलियाँ और ये एक गरीब मुल्क है और ये इतना पैसा कहाँ से आया तो फिर कहाँ से होगी अवाम की फलाह की बात कहाँ से होगी आवाम की मसाइल का हल और फिर जो पहले तो एक था ना कि खाते हैं तो लगाते हैं तो आप अगर लगाते हैं तो फिर बनाते हैं ये वाला कल्चर आ गया ये बड़ा अजीब सा कल्चर है जिस पर हम आज बात करेंगे हमारे साथ मैं रोजनामा पाकिस्तान की दो न्यूज़ पर भी जाऊंगी ताकि मजीद अंदाज़ा हो कि ये जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं सेनेट के इलेक्शन की जिस मौजू पर बात आप सारे सुन रहे हैं मुसलसल बहस हो रही है यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं तो मेहमानों का तारुफ करवा कर मैं रोजनामा पाकिस्तान की दो तीन खबरें लूँगी जो कि आपको पता चले कि सीनियर सहाफ़ी या सियासतदान इस बारे में क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम एन ए है पी की नुजरत पठान नुजरत साहबा आपको हल्का हवा में वेलकम कहते हैं हमारे हैं। साथ फोन कॉल पर मौजूद रहेंगी डॉक्टर समीना मतलूब एम एन ए पी एम एल एन कोशिश करेंगे अगर हमारे साथ कोई मेहमान फोन पर भी शामिल हो गए नाजरीन दोनों खातन चूंकि हल्का अहबाब का अपना एक पैटर्न है ये एक थिंक फोरम है थिंक फोरम का मतलब है कि किसी ने हमने मुकालमा करना है हमने दोनों की या तीन लोगों या चारों उनकी बात सुननी है और मसाइल के हल की तरफ गैर जानकददारी से जाना है मसाइल के हल की तरफ कैसे जाना है क्यों जाना है रोज़नामा पाकिस्तान में दो खबरें आपके सामने आएंगी पहली ये कि एस के एसके न्याजी जो कि सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने कहा कि सियासी जमातों ने अफरा तफरी फैलाई हुई है और ये फैलाई आप देख लें कि पिछले कई दिनों से ये मुसलसल सिलसिला चल रहा है एक अफरा तफरी का माहौल है और फिर सियासतदानों में जो कारोबारी लोग आते हैं उस पर बात की गई कि जब कारोबारी लोग आएंगे तो कारोबारी ही बातें होंगी ना जैसा कि सेनेट के इलेक्शन में आप देख लें जमिया शरीफ से मुलाकात की थी तो मना किया था कि अब आप आपके बेटे प्राइम मिनिस्टर हैं बेटा वजर है, तो आप कारोबार को इतना ज्यादा और आगे ना बढ़ाएं एक दूसरे सहाफी जो हैं जिया शाहिद उन्होंने कहा नवाज शरीफ मेरे दोस्त उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा हुई लिखी हुई है ये बात कि मियाँ शरीफ ने कहा कि मैंने वज़ारत उमा के लिए छः अरब खर्च किया तो अब नौ अरब का हमारा अदफ है ये हम नहीं कह रहे ये किताबों में लिखा हुआ है शायद खाकान अबासी ने इस मामले में बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला निज़ाम को तब्दील करना चाहिए और एस के न्याजी ने कहा कि सैनट के एलेक्शन में क्या होने वाला है अदम अहतम की तहरी यूसुफ गिलानी की तरफ लोग वोट ज्यादा जाते हैं तो फिर क्या है और फिर जो नाजरीन हमारा एक सवाल होगा कि ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है ओपन बैलेटिंग का मैार वही था जो सादक और अमीन के साथ था जिसका हमने बताया कि एम एन ए अवा मंतखब कर रही है बेहतरीन अफराद क्योंकि उन्होंने असेंबली में जाकर अवाम की नुमाइंदगी करनी है और एम एन का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है सैनिटर का लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं है अब एम एन एम पी ए करें बेहतरीन लोगों का इंतखा ताकि वह एवान बाला में जाकर पॉलिसी बनाए कानून साजी करें मुल्क और अवाम की वो खिदमत करें जिसकी हमें ज़रूरत है तो ये फिर किस तरह ये हुआ इन सारी मौजूद पर बात करेंगे जो स्टूडियो में मौजूद हैं पहले मैं उन्हें लेती हूँ क्या कहेंगे नुजरत पठान जो हमने बातें की कि ये क्या कल्चर है जो अवाम सुन रही है और किस के लिए एम एन एम पी ए को इंतबाब करके भेजते हैं आशि साहब अभी जो आपने इंट्रो दिया था वो काबिल सताइश इसलिए भी है कि आपने जिस तरह ब्रीफिंग दी कि एवान बाला और एमा, आ, कौमी असम्बली के अंदर किस किस्म के लोग किस किस्म के माइंड के लोग आने चाहिए और सिलेक्शन या इलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए बड़ा खूबसूरत था और बड़े धीमे अंदाज में आपने बात की लेकिन बड़ी अहम बात की थी कि क्या हम आ, ऐसे लोगों को इलेक्शन में लेके आ सकते हैं जो हमारी कौम के पॉलिसी मेकर्स हों पॉलिसी बनाए बैठकर और ये बड़ा गर्क हुआ 85 की इलेक्शन में जब जयालक ने कौमी और सूबा इसम्बली की इलेक्शन कराई उस वक्त जो सेंट का माहौल हो रहा था उस वक्त कबाइल ज़ात पात आ, अपनी ख़ानदानी असर रसूख का जो है बरदरी सिस्टम मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा था लेकिन वो बरदरी सिस्टम जो था वो इसमें स्टेबल हुआ और फिर ये इतना स्टेबल हुआ कि 88 की जो मोतरमा साहबा का इलेक्शन पीरियड आया तो उसमें भी फिर इतनी बड़ी इनकलाबी पार्टी ने भी आ, अमीर लोगों को टिकटें देना शुरू कर दी परसेंटेज रखी कुछ वर्कर्स की गरीब की लेकिन उसको एह दी फिर आ, फिर मुसलसल फिर ये सिस्टम चलता रहा आज जो वज़ी अज़म कहते हैं कि सत्तर करोड़ अस्सी करोड़ एक अरब तक की बात आ जाती है ये जब एक आपने एक मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सेनेटर के लिए जो एक अरब सत्तर करोड़ अस्सी करोड़ मैंने नियर टू द अरब हो गया ना तो ये इतना गरीब मुल्क के अंदर इतने पैसे वाला कौन बंदा है जो अपनी एक सीट के लिए जो बैठकर वो देता है तो ये जब वो आएगा सत्तर अस्सी करोड़ की सीट खरीद कर और फिर वो क्या उसका क्या हाँ, पॉलिसी क्या आएगा और हाँ, वो क्या आवाम के लिए क्या करेगा और उससे क्या पता कि भूख क्या होती है उसे क्या पता आ, आपका किरदार है मैंने एम ए का किरदार कितना है मैं इसमें बहुत ज़्यादा अहम है और मैंने कहा ना कि ज़मीर तो इंसान अपने खुदा को पता होता है कि वो उसकी नीयत क्या है आम बंदे को नहीं लेकिन एक लॉयल्टी होती है अपनी क्यादत के साथ अपनी हुकूमत के साथ अपने लोगों के साथ जिसका पैसे से ताल्लुक नहीं जिससे पैसे से ताल्लुक नहीं है नवाज़ शरीफ ने अगर जिसको टिकट दी है तो वो उसी को वोट दे पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दी है वो उसी की पार्टी के आदमी को वोट दे और पीटीआई के लीडर ने जिसको टिकट दिए वो उसी पार्टी के नुमाइंदे को वोट दे इसको कहते हैं कि आप अब वर्कर बने लेकिन यहाँ पर कोई धूंस दे रहा है कोई क्या कह रहा है कुछ कह रहा है तो मैं समझती हूँ कि पैसा आ, आना और जाना वाली एक मफहम में हम समझ लें इज्जत सबसे बड़ी होती है और जिस क्यादत ने आपको कौमी असम्बली का मेंबर बनाया है आपको असम्बली की फ्लोर दिया है और 22 करोड़ लोगों में 300 लोग जो है वो क्रीम बनकर आप सोसाइटी के और कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं तो उस पार्टी को रेस्पेक्ट देना उस आदमी का एक किरदार होना चाहिए तो मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है ना जो ऐस... देख रहे हैं ना हाँ ऐसा होता नहीं है, है ना बीच में ऐसा होता नहीं है ऐसा बहुत कम होता है आपने खुद देखा कि सेनेट की अभी की जो इलेक्शन हुई थी उसमें फोटीन जो है वो सैनिटर्स ने आ, जो है वो कर दिया हाँ। और वो मैं वा... मैं यहाँ आवाम से ये बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक लोग सेनेट और एम एन के किरदार को इसलिए हमने वाजे किया एक कंटिन्यूटी के साथ कि आपने एम एन ए मुंतखब करना है आप देख रहे हैं कि आप एम एन एसा मुंतखब करेंगे जो ईमानदार होगा तो वो जाके अपनी वफ़ादारी जिस पार्टी के टिकट जिस पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन है उसके साथ जाएगा और आप वो एम एन ए मंतखब करेंगे या एम पी ए जिसके डावा डोल होने का खतरा हो तो फिर यह हाल होगा जो कि आप देख रहे हैं अवाम को भी कितना शौर होना चाहिए। अवाम की कितनी आ, बड़ी अच्छा मैंने तो नोट किया क्योंकि मैं थर्टी थ्री पॉलिटिक्स में रही हूँ और मैंने इलेक्शन के बहुत सारे प्रोसेस देखे पोलिंग स्टेशन पे लोग ऐसे भी देखे वोट देने के लिए आए आशा साहेबा कि जिन्हें पता ही नहीं था कि वो किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उनसे पता ही नहीं है कि ये जाकर मेरी क्या पॉलिसी बनाएगा या ये मेरे लिए क्या बात करेगा अक्सर तो वोट खरीदे भी जाते हैं ना वो आम आदमी की जिसने पूरा महीने में फाइव थाउजेंड कमाएगा उसे अगर एक वोट के लिए पाँच दस हजार मिल जाता तो वो कहता है जे जाके वो भाड़ में पड़े मे, मेरे तो बिक्री हो गई मेरे तो दस हजार ऊपर से लेके नीचे तक। नीचे तक, तक, तक अच्छा तक, मैं समझती हूँ ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है ये पहला काम है जो नीचे से ऊपर जब एक एम देखता है कि मैंने वोट खरीद कर मैं अभी सेलेक्ट होकर इलेक्ट होकर मैं अपने हाउस तो क्यों ना तो वो मैं क्यों, तो वो मैं क्यों नहीं करूँ तो नहीं। ये जो है ना तो कुरान में भी है ना कि तुम में से तु, तुम्हारे चुने जाएंगे तो जैसा हम अपनी कौम को देखते हैं बैठकर तो वैसा ही वो अपने नुमाइंदे चुनेंगे ना अगर कौम हमारी ऑनेस्ट है कौम हमारी बेहतर है कौम हमारा डिसीशन ले सकती है तो उसका एम एन ए उससे उस कौम से भाग नहीं सकता नहीं। ये हम नहीं कर रहे हैं हम अपने वोट को अपनी लॉयल्टी के ऊपर रख लेते हैं आ, आ, भाई मेरे दादा ने वोट दिया था तो मैं भी वोट दूंगा उस अच्छा पार्टी को। एक तो ये वोट का सिस्टम तो हम सारे जानते हैं कि बरादरी पर भी मौजूद है और पैसे पर भी मौजूद है ये निज़ाम ठीक होने के लिए मैं समझती हूँ कि हुकूमतें जब आती हैं तो उन्हें कोई कानून साजी करनी चाहिए कुछ इसका मेरिट कोई बनाना चाहिए तो क्या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि कारोबारी अंसर जैसे हमने शामिल किया तो फिर आ, ये होगा ना कि हम लगा रहे हैं तो फिर हमें कल पूरा भी तो करना है ना तो कारोबार ना बनने के लिए पार्टी की भी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो किन लोगों को टिकट दे रही है अगर फिर कारोबारी लोग आएंगे तो फिर मामलात वही रहेंगे ना पॉलिसी बनेगी ना कानून साजी ना अवाम के एवान बाला में बैठ कर कर जो कर, एक एम एन ए की करीम एम पी ए की जिसको अवाम ने मुंतब किया वो एवान बाला में अपने से भी बेहतरीन लोगों का इंतख्य कर रही है उनको दानिशवर हों वो पॉलिसी साज हो वो बेहतरीन लोग हों तो वहाँ ना हो तो ये तो बहुत बड़ी ट्रेजडी है कारोबारी लोगों को फिर दिया जाता है मैं इसी मौके पर डॉक्टर समीना आ, आ, है मुस्लिम लीग नून की उनको भी शामिल करते हैं मैंने ओपनिंग दी थी पता नहीं डॉक्टर समीना तक आवाज गई थी डॉक्टर समीना आपको हल्का आवाज में वेलकम कहते हैं मेरी वालेकुम सब कुछ वाले तो ये हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन की और उसमें जो बेस हमने दी थी वो ये कि एम एन एम पी ए मुंतखब करते हैं कि आप बेहतरीन लोग हैं आपको हम वोट दे रहे हैं आप असम्बली में जाए हमारी नुमाइंदगी करें फिर ये बेहतरीन लोग इंतखब करते हैं वाला सैनिटर्स का कि आप जी अवमी रबतों में ना रहें जलसे जुलूस में ना जाए लेकिन जब सत्तर करोड़ इकहत्तर करोड़ अरबों तक बात जाएगी तो ये क्या सिलसिला चल रहा है समीना क्या कहेंगी इस बारे में मैं तो इस बारे में एक खुली राय रखती हूँ जो अवामी लीडर होता है वो अवाम की के वोट लेके आगे आता है और अवान बाला जो होता है उसकी सिलेक्शन इन इन लीडरानी करती है जो कि आवाम की आवाज होते हैं तो ये इतने प्योर सिलेक्शन होनी चाहिए इतने स्ट्रॉन्ग लोग पैसे का गेम और ये सिलसिला जो है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए हम उस हक में नहीं है ये लोग फेयर हूँ और टैलेंटेड हूँ ताकि हम लोगों के जो डिसीजन है हमारी आवाम के लिए जो तंजीम जो कानून साजी होनी है वो ऐसी कानून साजी हो जिसे लोग सगलों याद रखें और ये जो अनफेयरनेस पैसा चलना चलाना वहाँ पे तो फिर वही कारोबारी लोग आ जाएंगे वही पैसे वाले लोग आ जाएंगे अब आप मुझे ये बताएं जब ये सिलसिला चलेगा तो हम डिलीवर क्या करेंगे ठीक है तो कोई डिलीवर नहीं सैनट में भी कोई डिलीवर नहीं करेंगे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा समीना अब कारोबारी लोगों पर हम डॉक्टर समीना आस्ता आसते आगे चलेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत पठान वो भी बात करेंगी आप भी ये एक खूबसूरत अच्छा मुकालमा होगा ताकि हम बात करें कि इन मसाइल का आखिर हल आपकी नज़र में क्या है इनकी नज़र में क्या है बात वही निकल रही है कि जब कारोबारी लोग आएंगे पैसा इतना अरबों पैसा कहाँ से आ रहा है एक आम आदमी दानश्वर स्कॉलर पढ़ा लिखा पॉलिसी साज थिंक टैंक से तर रखने वाला सोच विचार करने वाला वो कोई कॉलम को निगार हो वो कोई सीनियर साफ़ी हो वो कोई आपका पॉलिसी साज हो वो तो आ ही नहीं रहा सेनेटर में हमारे पास तो करोड़ों रुपया है नहीं है, हम तो सोच भी नहीं सकते तो फिर ये क्या निज़ाम है कि सियासतदान जो सियासी पार्टियाँ हैं वो उनके अंदर कारोबारी तबका बहुत अहमियत रखता है 2006 में एक माहिदा हुआ था दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में उन्हें भी इस चीज़ का एहसास था कि ओपन हैंड बैलेटिंग होनी चाहिए ताकि एक दफ़ा ये कड़वी गोली खा ले सिस्टम के एक दफ़ा में कौन सी थी पीपल्स पार्टी, पार्टी और आ, नून लिंक के लीडरों ने ब के फ़ैसला किया था कि जिसे माहिदा जमूरीत भी कहते हैं और सब कुछ कहते हैं तो ये फ़ैसला हुआ था कि और उसके सब ने सपोर्ट की थी उसे इमरान ख़ान ने भी सपोर्ट की थी और उस वक्त तो हालांकि इमरान खान नहीं था उस हुकूमत में ना असम्बली के अंदर लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही थी तो इसलिए हर आदमी उसे सपोर्ट कर रहा था अब जब मौका आया है हमारा हम चाहते हैं कि हमारी क्योंकि हमारी मेजॉरिटी नहीं है कि हम कोई इतना बड़ा बिल उठा सके हमने अभी बिल भी पेश किया था जो पेश तो कर दिया लेकिन अभी उस पर वोटिंग नहीं हुई क्योंकि हंगामा हो गया तो अगर वो हो जाता है तो चलो एक महीना डिले हो जाएगा इलेक्शन लेकिन आ, आज जो सुप्रीम कोर्ट बैठकर इलेक्शन कमीशन के सामने बैठी हुई है और कह रही है कि सोचो कि तुम्हारा काम सिर्फ डेट देना नहीं है तुम्हारा काम यह है कि जो ये इतना कुछ हो रहा है इतने लोग कह रहे कि इतने पैसे ऑफर्स हुए वीडियोस आ गई सब आ गई तो इसको रोकने के लिए क्या लाए अमल तय किया तो वो हमारे पास है नहीं और इसलिए वजीर अजम इमरान ख़ान ने कहा था कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए तो कम से कम पोलिटिकल पार्टीज के लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा एम मेरे साथ खड़ा हुआ है और कौन, कौन सा एम नहीं खड़ा हुआ मैं जाऊंगी डॉक्टर समीना आप लोगों ने 2006 में जब माहिदा जमहूरियत था तो इस चीज़ को एग्री किया कि एम एन एम पी ए वैसे तो ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो जो डिसऑनेस्ट हो ही ना लेकिन फ़र्ज करें कि सियासी पार्टी को है कि कहीं ये डिसऑनेस्टी हो जाती है क्योंकि पैसे का खेल है तो माहिदा जमहूरियत में जब ये बात शामिल थी तो अब शो ऑफ हैंड्स पे आप लोगों को क्या इतराजा नहीं सुनिए हमें हमें कोई नहीं है। जी जो तरीका कार है ना हमें उस पे पर अब आप ये देखिए इतने शॉर्ट टाइम में हम एक ऑर्डिनेंस ले आए हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऑर्डिनेंस का मरौने में लगता है बिल्कुल भी नहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है वो किसी तरीके कार के मुताबिक उसको पार्लियामेंट में हल होना है वो अदालत में हल करना है और ना ही ये टू टू सिक्स का जो आइन है वो ऐसी नहीं चीज होगा ये तो हम हवाई बातें कर, जब करेंगे ना तो कुछ भी हासिल नहीं होगा हमें प्रैक्टिकल होकर कुछ ना कुछ करना होगा हमें उसको बाजाबतर तरीके से असेंबली में लाना है माम पार्टी जो है उनके को शामिल और उसको इस, इसको एक्सेप्ट करने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए जो कि पास नहीं है और फिर ये चाहते हैं कि हम दूसरे पार्टियों को शामिल भी ना करें और ये हमारा साथ भी दें और फिर हम शोर भी मचाएं कि ये हमारा हम देखे जी हम ऑनेस्टी चाहते हैं ये हमारा साथ नहीं दे रहे ये गर्मी बदल नहीं चल, चल चलते इस तरीके से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा आप कोई भी तरमीम नहीं ला सकेंगे एक पॉजिटिव तरमीम लाने के लिए हमारे पास हमारे आय ने हमें इसके मुताबिक चलना है ठीक है आ, वैसे आप नजर यानी जो के मुहिदा हुआ था आप लोगों का उसके मुताबिक आप समझते हैं कि ओपन जो है बैलेटिंग ये ठीक है वैसे होनी ये चाहिए ताकि ये सारे ऑप्शन ही खत्म हो जाए जो चल रहे हैं नहीं बिल्कुल मैं तो आपकी बात को एडमिट किया उस वक्त भी वादा हुआ था लेकिन बदकिस्मती ये की भी उसको उसको अमली जमा नहीं पढ़ाया गया इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई लेकिन मैं इन इमरान खान की जो ये बात कर रही है इस तरीके के जो हवाले हैं उसके उसके लिए मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर हम तरीके कार्य के मुताबिक चले अगर वाकई हम चाहते हैं तो उसको हम उसके रूल्स रेगुलेशन को अडॉप्ट करें अगर हम चाहते ही नहीं है और डायरेक्ट हम जंप लगा के कहें कि ये हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता जी अभी हम बात करेंगे नुसरत पठान साहिबा से भी आप नुसरत पठान ये जो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें लोगों को भी थोड़ा सा ये गेला है कि देर कर देता हूँ ना हमें मनीर न्याजी का शेर हमेशा देर कर देता हूँ आपकी नियतें ठीक हों आप ईमानदार हो, हों लेकिन यही चीज़ें जैसे वीडियो इतनी देर से आई तो ये पुरानी है तो इससे पहले क्यों नहीं लाई गई और फिर ये जो तरीका कार है इस पर बिफोर टाइम बातें बिफोर टाइम इन चीज़ों को आप लोगों ने क्यों नहीं देखा आ, 2006 में जो विसा के जमूरियत हुआ था ना 2006 के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी उन्होंने जम, उस मिसा के जमहूरियत को अहमियत नहीं दी ये पॉइंट उसमें थी पाँच साल उन्होंने उनकी गवर्नमेंट रही उसके बाद फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई पाँच साल उनकी भी गवर्नमेंट रही और 2018 की इलेक्शन जब आई और उसमें पीटीआई मौजूद थी जीत कर आ गई तो वो जो 2018 अगस्त 13 अगस्त 14 अगस्त के बाद का जो मरल है अट्ठारह और फिर 19 इसमें आपने Uh, कभी कौमी असम्बलीजलास का की कार्रवाई देखी होगी जिसमें हम हुकूमत वाले मिनथ करते रहें कि कानून साजी करें हमारी कोशिश है कि आओ आकर बैठो आपने ये देखा होगा कि इन्होंने नवाज़ को शहबाज़ शरीफ साहब को कमेटी का चेयरमैन बना के बनाने के लिए क्या कुछ भाग दौड़ नहीं की फिर उसके बाद प्रोडक्शन आर्डर्स के लिए आ, 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 इजलास में क्या हंगामा नहीं किया उस वक्त भी आ, वजीर ख़ारजा साहब उस वक्त भी हमारे पार्लियामेंट जो लीडर थे उन्होंने चीख चीख का, कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन आप आए कि हमारे यहाँ क्या सकम है अपने आइन के अंदर क्या कुछ कमी पेशी है कि बैठे आकर आइन कानून साजी करें बिल्स को बैठकर डिस्कस करें और एक पार्लियामानी कमेटी जो स्पीकर से जाके बात करके आती है वो कि कार्रवाई आज कैसी चलेगी फिर जब अंदर आ जाते हैं हाउस के अंदर तो फिर कार्रवाई बिल्कुल ही दूसरी होती है तो इस पूरी कोशिश थी हमारी इन डेढ़ साल के अंदर दो साल के अंदर मैं डेढ़ साल इसलिए कहूँगी कि ये पूरा तकरीबन आज सात आठ महीने तो जैसे ही दो हजार शुरू हुआ फेबर से कोविड की वजह से और इसकी वजह से तो ये तकरीबन छह महीने तो हमारा इजलास ही नहीं हुआ इस इस बात पर क्रिटिकल क्रि, फिर वो नवाज शरीफ साहब बीमार थे तो फिर बहुत सारा इजलास की कार्रवाइयां उनकी बीमारी के ऊपर चली जाती थी उन पर डिस्कस होती थी तो जब अब अगर ये कोई सेफिया वो नहीं है कुरान का कि आज ही इलेक्शन होनी चाहिए आप एक पीरियड महीना पहले भी कर सकते हैं, महीना बाद में भी कर सकते हैं, ये भी उसमें रखा हुआ है अगर ये इतना मुश्किल नहीं है काम इसलिए हमने आ, सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए थे कि हमें वो कोई लाए पार्लियामेंट में आपने देखा उस दिन हुआ तो नवीद कंवर साहब ने स्पीकर के गिरेबान में हाथ डाल दिए इसी वजह से ना तो जब ये संजीदा नहीं होते जब ये इस मौके को देखते नहीं है तो फिर क्या करें ऑर्डिनेंस भी आ जाते हैं फिर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं ना एस के न्याजी ने एक बात की है कि जो रोजाना पाकिस्तान में खबर भी छपी है कि सियासी जमातों ने अफरा तफरी फैलाई हुई है अवाम भी बेचारे बेजार हो चुके हुए यानी हुक्मरान अपना तरीका अख्तियार करें और अपोजीशन अपना तरीका अख्तियार करे तो क्या कहेंगे इस बारे में मैं आपको बताती बात ये की ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सबको साथ लेके चले तो उनकी कामयाबी होती है एक जो हेड होता है ना वो अपने साथ लेके जब चलता है तो हेड की इज्जत होती है और उसी की कामयाबी भी होती है अब इसमें इनकी नाकामी है ये किसी भी ऑपोजिशन को अपने साथ मिला के चल नहीं पाए और अब आप ये देखिए जब शुरू में इजलास शुरू हुआ था उसी वक्त इजलावल ने और अपना शहबाज शरीफ ने इन, वाजिया कहा था कि आप कदम बढ़ाएं हम तो अपने मुल्क की खतर आपके साथ है लेकिन इन्होंने यही कहा कि नहीं ये अपने केसेस खत्म करने के लिए एन आर ओ मांग रहे हैं ये आप कदम बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं सावन की बात कर रहे हैं ये एनआर ओ मांग रहे हैं जब इनके साथ बैठ के मीटिंग होती है तो ये अंदर की सीकरेट बातें बाहर ला के करते हैं ये देखें जी ये एन आर ओ मांग रहे थे हमारे साथ बैठ के जो मुझे बुजुर्ग थे के जब इनकी स्पीच होती है वो इतनी इतनी ये करते हैं ये बर्दाश्त नहीं होती वहाँ पर माहौल इसीलिए अपना तकलीफा हो जाता है जब इनकी तरफ से फजूल और घटिया किस्म की तकलीरें आती है अब, अब आप ये देखिए लीजिए लीडर हमारा भी है लीडर इनका भी है और हर कोई संशोपित है अपने लीडर्स के लिए जी। तो कोई भी बात नहीं सुनने को तैयार होता और हालांकि जब के हमल का मुजाहरा जी डॉक्टर डा, जो, तो जो है। जी ठीक है डॉक्टर जो इमरान खान जो वजी अजमे हैं उन लोगों के साथ जब आप लोगों ने मुजाक़रात की आफ़र की तो उनमें पॉइंट्स जो थे उसमें ये पॉइंट शामिल था कि के कुछ केसेस को खत्म किया जाए बिल्कुल भी नहीं हम कहते हैं कैसा ना हो उसका ये मतलब थोड़ा है कि आप आपने इर्द गिर्द के लोगों से छोड़ दें और बाकियों को आप कहें कि हमें एहतिया में लेके आ गए हम तो कहते हैं सिर्फ बस कौन कहता है अच्छा, हम, आ, थोड़ी देर में जी को मतना चाहिए हम इस हाथ में है एहत तो हो और के हो और ये वन साइडेड कोई मसला ना हो आप ये देख ले आप नेब की जो कागज है।, है ये सारों के सामने ये प्रूफ कुछ भी नहीं कर पाते लोगों को उठा के ले जाते हैं और हम लोगों की मैशत खराब होने तो से वो आधे से ज्यादा जिम्मेदारी है हम हमारा जो इन्वेस्टर है ना मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है ना बाहर के मालिक के इन्वेस्टर एकदम आके इन्वेस्ट करने को तो तैयार है ठीक है आपसे बात करेंगे इसके बाद के एक एम एन ए जिसको अवामखब करके लाती है और मैं समझती हूँ कि वो कोई हीरा जवाहर और कोई सोने से बना होना चाहिए एम एन एम पी ए ताकि आगे जाकर ये मामला सुधरें इस पर आपसे इसके बाद बात करेंगे आ, बात यह है कि जहाँ कहा जाता है कि मीशत ख़राब है एक तो हल्का है बाप का हमने मायारी यही रखा हुआ है कि हम बहुत अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ मुकालमा करते हैं ताकि उनकी आपकी हमारी बात अवाम जो तंग आई ना जब हम बड़े बड़े फोरम्स में जाते हैं तो अवाम कहते हैं ये कितने शातिर लोग हैं ये एक दूसरे को इतने गंदे गंदे लफ्ज चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो मैं तीनों पार्टीज़ को कह रही हूँ खान साहब को हमने अपने शो में कई दफ़ा ये जुमला बोला कि अब आप अपोजिशन आप, आप, का किरदार छोड़ के इन बात अगर अपोजिशन आपको जो भी अल्फाज बोल रही है उनसे डिस्टर्ब ना हो और आप अपना काम करें और उनको अपना काम करने दें और अपोजिशन को हमने कई दफ़ा अपने शो में कहा कि आप लोग जो जुबान स्टाइल बनाते हो चाहे वो जो भी पार्टी है अपोजिशन करें लेकिन प्लीज उसका ख्याल करें अवाम और हमारी नौजवान फेडअप हो चुके हुए हैं आप लोग शायद आप लोगों को नहीं पता हम जब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं हमारा देखने को दिल नहीं चाहता ये लोग इतना लड़ रुड़ के चले जाते हैं तो एक महार होना चाहिए जैसा कि हम अपने शो में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं मीशत ख़राब है एम एन ए के किरदार पर आपसे भी आएंगे उन समीना डॉक्टर साहब समी के बाद मीशत कहते हैं जी ख़राब है मुल्क बदहाल है कारोबारी तबका सारा सियासत में भी है सैनट में आप देख लें ये अरबों रुपया सैनटर कहाँ से लाता है और एम एन ए को कैसे ऑफ़र करता है और कौन से एम एन ए हैं जो फिर ले भी लेते हैं ये इतने गरीब मुल्क में जब आप एम एन एम पी कहते हो ना कि मुल्क कितना गरीब है अवाम कितनी बदहाल है और साथ सुनते हैं सत्तर करोड़ से इकहत्तर इकहत्तर से अरब तो मेरे जैसी अवाम तो हैरान परेशान इस वक्त आपकी पाकिस्तान की अवाम बैठी है कि ये कौन लोग हैं कहाँ से आ रहा है इतना पैसा ये बिल्कुल आप आ, सही कह रही हैं कि जो पाकिस्तान की मैशत है लेकिन मैंने आपको बताया कि ये रवाज कब से चला था कैसे चला था और इसकी हिस्ट्री बड़ी फुलफिल है और 85 में जो हमारी आ, गिफ्ट मिला था हमें वो यही मिले थे जो अभी बैठे हुए हैं कोई प्रदेश में है कोई किधर है कोई किधर है और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं करप्शन के चार्जेस समीना साहबा ने कहा कि वो पीटीआई ने नहीं कोई भी फाइल नहीं खोली नया एफआईआर कोई भी नहीं है ये वही एफआईआर आई हैं जो ये एक दूसरे के ऊपर करते थे बस ये कह दिया गया है नैब को कि आप फ्री हो, फ्री हैंड होकर काम करें आपको कोई रुकावट नहीं ठीक है और मैं मैं तो इस बात पे भी कहती हूँ कि अगर आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम किसी ने लगाया भी है तो आप कोर्ट के थ्रू आज़ाद हो जाएंगे ये अच्छी बात है ये आप कम से कम अपने हल्के में जाके कहेंगे तो सही कि जी देखें हम कितने थे हमें जी कोर्ट ने आज़ाद कर दिया हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है दूसरी बात यह है कि ज़ुबान जो है ना वो आदमी के खानदान की का भी बताती है और हम मैं कल भी मैं कहीं अपनी दोस्तों में हम बैठे हुए थे तो हमने ये कहा था कि कल के बच्चे अगर मुझे कोई कहे मैं छोटी नहीं हूँ मेरी एक ऐज है मुझे कोई छोटा बच्चा मेरा पोता या मेरा नवासा मुझे कहे तुम नालायक हो तुम बदतमीज़ हो तुम गधे हो, हो तुम ये हो तुम वो हो नहीं आप चोर 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 हाँ तो नहीं ये जो अल्फाज अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं ना पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल नए हैं कि आप लोगों किया जाता है हाँ तो ये हमें पसंद नहीं आता जो हम एक एज क्रॉस करके पॉलिटिक्स में इस उम्र पर आके बैठे हैं तो हमें ये लैंग्वेज दोनों तरफ से कहीं से भी इस्तेमाल हो रही है तीसरी तरफ से भी कहीं इस्तेमाल हो रही हो हमें पसंद नहीं है जो आप कह रही थी ना इंटोलैक्चुअल इंटेलेक्चुअल दानिश्वर जब बैठते हैं तो कहते हैं कि हमें पसंद नहीं है तो हमें भी पसंद नहीं है लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को खोल के देखते हैं तो आप देखें कि मुझे हारून रशीद साहब का एक जुमला याद आ गया उन्होंने कहा कि मैंने किसी को सोशल मीडिया पर कोई कॉन्ग्रेजुशन का कोई एक कमेंट्स लिख दिया था लेकिन उसका तो उन्होंने इतना ऑपरेशन कर दिया नीचे जो सोशल मीडिया पे जो लोग होते इतना कर दिया कि मैंने सोचा कि मैंने उसको मुबारकबाद दी क्यों माना हमारा जो लिखने वाला जो है नौजवान आजकल वो भी जो है ना इखलाक की हदों से बहुत नीचे आ गया है तो हमें हमें हाँ। हमें उस पर देनी तो देनी चाहिए जैसे आपका प्रोग्राम है समीना बीबी भी, 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 भी बात कर रही है मैं भी कर रही हूँ आप भी कर रही हैं तो क्या कहीं हो सकता है किसी और एंकर के प्रोग्राम में हम होते तो उसका ख्वाहिश ही होती कि उसका रेटिंग बढ़े और हम एक दूसरे के घरेबान में बैठ के बात करें और हमारा लर्निंग देखें अवाम जो कौम है ना उसकी फिक्री तरबियत इकबाल ने की थी ना कायद अजम ने किरदार कितना तगड़ा जवाब देते थे अंग्रेज़ को मैं समीना साहब अभी सुन रही हैं अपोजिशन में अंग्रेज़ जब उनसे बात करता था तो एक लाइन में बहुत नर्म लहजे में ऐसा तगड़ा जवाब देते थे जिसमें कोई कायद अजम की पूरी हिस्ट्री में उनके बड़े कलमंदाना और बड़े जबरदस्त जुमले हैं जो कोट करने वाले हैं वो मैं जाऊंगी तो फिर बात हट जाएगी लेकिन अभी अभी, पाकिस्तान अभी, हमारी, अभी, अभी, अभी आप, स... आप, आप बना बनाया पाकिस्तान आपको मिल गया है और आप ये नहीं समझते कि ये कौन फिक्री जहनी तरबी जो ये पैसे की बात हो रही है जो जुबान इस्तेमाल हो रही है जो आपस में आपको लड़वा के रेटिंग के चक्कर में आगे जा रहे हैं जहाँ भी आप लोग इस्तेमाल भी ऐसी लोग मीडिया देखते हैं मन छोटा बच्चा गांव का थर का बच्चा इतना सा बच्चा जिसे दुनिया का पता नहीं है वो बैठ के आपका प्रोग्राम देखता है जो आप कहेंगी वो समझेगा ना पढ़े लिखे लोग इसीलिए हमारे प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम ये काम नहीं कर रहे और ये अच्छी बात है मैं डॉक्टर समीना से भी बात करूंगी आपसे भी बात होगी एम एन ए सारा जो लेन देन चल रहा है जो अवा मंतख करके लाई और उसने सैनिटर का इंतख्य करना है और सैनिटर बोरियाँ भर भर के कारोबारी लोग हैं जिन्होंने सैनटवान बाला में बैठ कर कुछ भी नहीं करना पैसा लगाएंगे तो पैसा बनाएंगे तो बेचारी आवाम और मुल्क हमारा ऐसे ही रहेगा जैसा है एम एन ए क्या किरदार अदा कर सकता है एम एन ए इस चीज़ को कैसे डिस्करेज करके ख़त्म कर सकता है एम एन ए दोनों खवातीन है खवातीन वैसे ही इन मामलों में मुलविसमूमन करप्शन में नहीं।, नहीं होती तो ये सजेस्ट करेंगी बताएंगी कि एक एम एन ए सारे सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है फिर और भी मामला पर बात करेंगे नाजिन छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं Música छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर हैं और एम एन ए दो खवतानी हमारे साथ मौजूद हैं एक तो खातन करप्शन में अमूमन उनका कहीं नाम नहीं है मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि चाहे वो सियासत में हो चाहे वो अमूमन ऐसा देखा गया कोई बहुत खसूसी केस हो तो मैं नहीं जानती और बात हमने जो की थी कि एम एन ए को एम पी ए को अवा मंतख करता है और एम एन एम पी ए जा इंतखब करते हैं एवाना बॉल में सैनिटर्स का वो क्यों करते हैं क्योंकि एम एन ने एम पी ए ने अपने हल्के में भी जाना है रैलीज़ में भी जाना है आवाम से रबे भी करने हैं तो ये जो सैनट है अवान बाला इसमें सैनटर्स पुरसकून होकर आवाम और मुल्क के लिए काम करे तो वो कौन लोग होने चाहिए वो पॉलिसी साज हैं जो कि मुल्क के साथ मुखलिस हैं जो बासठ तिरसठ पर पूरे उतरते हैं और जो आइने पाकिस्तान की तमाम शिक पर भी पूरा उतर कर काम करते हैं लेकिन बिल्कुल उलट है जब कारोबारी लोग होंगे पैसा लगाएंगे तो फिर पैसा लगाएंगे तो बनाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा एवान बाला इसकी क्या अहमियत रह जाएगी एम एन ए क्या किरदार अदा कर सकता है दोनों रिस्पेक्टेबल खवातीन अलग अलग पार्टीज़ की हैं ये मुझे साफ़ अल्फाज में ये बताएंगे कि बहसीत एम एन ए हम इस अंदाज़ में इसको डिसक्रेज कर सकते हैं इसके ख़त्म होने के ये ये तरीके हैं जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं खातीन एक माइंड सेट के साथ आती हैं कि हमने अपनी कारकरी से बेहतर पोजिशन तक हमारी रेस्पेक्ट हो माशरे में तो जब हम ये हमारी टिकट्स की जब बात होती है तो हमारे पार्लियामेंट्रियस का एक ग्रुप है जो प्राइम मिनिस्टर तक उसमें शामिल होते हैं क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं तो हम जो भी डिस्कशन करनी होती है हमने उसमें खुले खुले आम डिस्कशन करते हैं उसमें हर एम ए अपनी राय देता है हर कैंडिडेट के बारे में फ़ैसला होता है फिर कमेटियाँ बैठती हैं फिर ये होता है उसमें हम राय दे चुके होते हैं ना कि क्या मसला क्या नहीं है नहीं। लेकिन जब पार्टी चेयरपर्सन किसी भी पार्टी का हो अगर सपोज करो बिलावल ने या मरियम नवाज़ ने या इमरान ख़ान साहब ने जो आ, फैसले कर लिए कि यह पार्टी के कैंडिडेट्स हैं तो फिर एम एन ए उसका पाबंद होता है कि उसे उस पार्टी के दिए हुए कैंडिडेट्स को वोट देना है और क्योंकि वो उस डिसीजन से पहले वो बहस कर चुका होता है ठीक है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने बहुत सारे चेंज हाँ जी बहुत से चेंज का ये नहीं होना चाहिए कोई में किया गया तो अब जैसे आ, अभी हामिद साहब को शायद नून लीग वालों ने टिकट दिए उसके ऊपर बड़ी मीडिया आ, में हाँ, चल रहा है कि उसने तो अः खत्म नबोत के खिलाफ किया था तो इस किस्म की चीजें जो है ना इस किस्म किसी आप व्यापारी को तो आप रोक सकते हैं ना किसी व्यापारी के ऊपर तो आर्गूमेंट आप सकते हैं लेकिन किसी ऐसे मसले पर जो बड़ा हसास हो उ, उ, उसको भी टिकट देंगे तो इनके जरूर सोचेंगे ना पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू भाई ये क्या बात हो गई तो हम जरा अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे समीना ने भी डिस्कस किया होगा मैंने भी किया होगा लेकिन जब एक लिस्ट आ जाएगी कि ये पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और आपने पार्टी ने सेलेक्ट कर लिया कि इसको वोट देना है तो फिर उस वोट से बाहर कोई नहीं जाएगा अच्छा वोट, वोट से, से बाहर नहीं जाएगा लेकिन जब ये मसलन सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो फिर सारा शक और सारी जिम्मेदारी तो एम एन पर ही जाती है ना कि वो क्या करेंगे जी वो कहीं पैसे के लेन देन में इधर उधर हो जाएंगे ट्रस्ट नहीं आ रहा ना पार्टी है ये ये ज़्यादातर एमपीएस के ऊपर ज़्यादा बोझ है हम एमएनएस के लिए एक तरफ पीडीएम ने यूसुफ रज़ा साहब को रखा हुआ है इधर हफीज शेख साहब को रखा हुआ है तो ज़ाहिर हम हमारी एम एन एस जो हुकूमत के होंगे वो आ, हफीज़ शेख साहब को वोट देंगे और जो पी डी एम के होंगे वो आ, उसको देंगे अब ये नहीं हो सकता अब तो आ, अभी कहा ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी किए वो सिक्रेसी इतनी नहीं होनी चाहिए तो आप क्या मत तक की बात बता रहे हैं आपका बैलेट अगर चेयरमैन चाहे तो बैलेट पेपर्स निकलवा के देख सकता है क्योंकि एक कोड नंबर दिया जाता है सेनेट की इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट या प्र, प्राइम मिनिस्टर की या स्पीकर की उसमें पार्टी की तरफ से एक कोड नंबर तमाम पोलिटिकल पार्टीज देती हैं कि आपने वोट देना है। पर लेकिन एक एक एम को या जो भी हो सिलेक्शन अथॉरिटी उनको कोई ऐसा कोड दिया जाता है जो सिर्फ पार्टी की आदत को पता होता है उसमें से पता पड़ जाता है कि किसने वोट दिया किसने नहीं तैयार हो जाए एमपीएस के अगर अब वोट इधर उधर करेंगे तो एक और यानी पहली बात तो है कि ईमानदार होने चाहिए ऐसी ही नहीं आनी चाहिए और फिर वोट मैंने अगर देनी है एक दफा मैंने अगर नून लीग को दी दूसरी दफा मैंने पीटीआई को दी तो मुझे क्या इतराज इत है मैंने दी भाई मेरा नजरिया ये है तो एम भी अपनी पार्टी को दे इस उपन दे इसमें कौन ओपन ऊपर नहीं आप तो बाउंड बात करूँ की वहाँ तो हमारा और अगर मैं वोट ने दिया नून को दिया अब मैंने पीटीआई को दिया था उसमें उस इलेक्शन में भी हमें ये रवैया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो जदे ज़, ज़, अमजद से लगे होते कि मेरे परदादा ने वोट दिया फिर मैंने दिया मेरे पोते उसी पार्टी को वोट देंगे, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है हाँ। हम लोग चाह रहे थे नाजीन के डॉक्टर समीना मतलूब से भी ये वाली बात ज़रूर पूछें कि एक एमएनए एमपीए की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को ही वोट दे और वो किसी भी पैसे के लेन देन में मज़बूत किरदार रहे और ना आए सीक्रेट बैलेटिंग में अपनी पार्टी से गद्दारी ना करे बल्कि वफ़ादारी निभाएं लेकिन चूंकि हम लोग आपस में लड़वा कर शोक नहीं करते और बारी बारी और एक वाइज तरीके से ताकि हमारी आवाम सुने तो वो उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है शायद वो मज़ीद गुफ्तु अभी हमारे साथ नहीं कर रही तो अब वो जब वो नहीं कर रही तो आप ये बताएं कि सैनट के इलेक्शन में जैसा कि आ, आ, नहीं मैं उनकी तरफ से भी ये कह देती हूँ कि उनकी पार्टी ने भी जिनको वोट सैनिटर्स रखा होगा ना ये खास कर रिजर्व सीटों पर जो खात अच्छा, आती आ भी है ना भी है। आ है कि आप हाँ मेरी दोस्त भी है तो क्योंकि खास करके जो रिजर्व सीटों पर जो खुतन आती हैं वो अपनी पार्टी के साथ बड़ी लॉयल होती हैं वो समझती हैं कि मैंने इस बार अगर कोई गलती कर ली और पार्टी के खिलाफ कोई लिया, तो दुबारा ये पार्टी नहीं, नहीं दे देगी तो खीन खास करके और जो इलेक्शन इतनी करेज होती, है, आ, इतनी होती है, कि एक को है और एक एम एन ए कोई चेक करने का भी तरीका नहीं है और इतना एम एन ए का किरदार मजबूत हो कि उसको कह, कहा जाए जी सत्तर करोड़ अरबों और वो जी मैं तो, ये किसी तो दी, आ, मैं दो हज़ार तीन दो में एम पी ए थी आ, म, सिंध के अंदर तो वहाँ पर पार्टी ने पाबंदी लगाई हुई थी कि आप जो है अंदर जब वोट देने जाएं तो तस्वीरें मोबाइल पर खींच कर आए और सब खींच कर आए जो नहीं खींच कर लेकर आए तो फिर उनको हुआ और फिर ज़ाहिर है उनके ऊपर होता है एक्शन लेकिन ज़्यादा अक्सरियत ख़वान की ज़्यादा अक्सरीत जो है वो अपनी पार्टी को ही वोट देती हैं वो उस चीज़ पर बार्गेनिंग नहीं करती हाँ मर्द हजरा जो हैं वो ज़रा ज़्यादा बहादुर होते हैं और आर्गूमेंट करते हैं भाई मुझे ये आदमी पसंद नहीं है मैं इसको वोट नहीं दूँगा तो ये भी मरल आता है लेकिन सेंसिटिव ये है कि आपका जो बॉस है वो ऑलवेज़ राइट होना चाहिए वो सारी डिस्कशन सुनकर एक दफा वो फैसला कर ले तो फिर है कि आप कर लिया तो, तो फिर कर लिया कर लिया, कर लिया आप लोगों के बारे में ये जो कहा जाता है थोड़ा सा अभी तक टिकट पार्टी के लिए सेनेटर्स को मुंतखब करने में मिसमैनेजमेंट और देर तक आप सोचते रहे और डबल माइंडेड होते रहे और फैसले बदलेगे इसको भी कवर करने की जरूरत है कि ऐसा ना किया करें आ, मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता होता है कि कौन कौन से पार्टी के लोग जो हैं वो सेनेटर बनेंगे जब इलेक्शन होती है जब हमारी टिकट फाइनल होती है हाँ वो सोचा जाता है अगर इस बीच में कोई उससे बेहतर कैंडिडेट मिल जाता है जो इस सारे बाजार में अच्छा <laughs> खरी, खरीदार हो सकता है तो उनको भी मिलती है आपकी दो लोग हैं यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख अब हफीज शेख के बारे में तनकीद हो रही है यूसुफ रजा गिलानी पर भी हो रही है कि उनको जो बासठ तिरसठ है सदक और अमीन होने का वो उनसे पूरा नहीं हो रहा उन पर ये बात हो रही है और हफीज शेख पर बात हो रही है कि वो कहाँ से आपकी पार्टी के हैं और उनको क्या किसी दबाव में है वीर अजम इमरान ख़ान किसी दबाव के तहत ये फैसला किया गया और पी टी आई के लोग उनको क्यों देंगे मैंने एम क्या उन्हें वोट देंगे या उनके दिलों में हल्की सी रंजिश मौजूद है हफीज शेख साहब के जो वालिद साहब थे वो किसी वक्त में पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शिकारपुर के उस वजह से वो 2008 की में की पीपल्स पार्टी के साथ थे लेकिन उसके बाद फिर वो छोड़ के चले गए छोड़ के चले गए उसकी वजह उन्होंने खुद भी बहुत दफ़ा बताई है कि इतनी वो करप्शन थी कि मैं उसको समझ रहा था कि नहीं है मुझे जाना चाहिए काफ़ी अर्से के बाद उसने अपनी हमारी पार्लियामेंट मीटिंग में कहा था कि मैं दिल से पीटीआई को मानता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इमरान खान जो जिस तरह काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और जिस तरह सिंसेरटी के साथ वो पाकिस्तान को लेके चलना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ इसकी क्यादत में मुझे चलना चाहिए तो एक आ, हो जाता है ना मैं ये बताएं कि अभी आप रोज़ना पाकिस्तान की भी ख़बर है और असके न्याजी ने भी बात की हम सब भी यही सोच रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर यूसुस रजा गिलानी आते हैं तो उसके बाद अदम अहतम हुकूमत पर हो जाता है और ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इसमें सैनट के एलेक्शन के नतज को आप किस अंदाज में देख रहे हैं क्या हफीज़ शेख नेट के बन जाएंगे या यूसुफ रजा गिलानी क्या क्या एक क्या था? हाँ यूसर रजा गिलानी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं अब आ गए एक खूबसूरत आदमी है एक <laughs> पार्टी का एक पीछे एक पूरी पार्टी खड़ी हुई है उसको रिकमेंडेड कर रहे हैं जिनका अपना भी जो है पोजिशन बहुत कमजोर और वीक है दो <laughs> तो मेरे ख़्याल में एक दफ़ा जो झूठा साबित हो जाए कोर्ट में उसको अहमियत नहीं दी जाती उसके बयान को अहमियत नहीं जाती एज ए एडवोकेट मैं कहती हूँ अगर एक कहीं आप झूठे साबित हो गए तो फिर आप क्या कुछ भी बयान देते रहें आपको माना नहीं जाएगा हफीज़ शेख साहब जिस अंदाज में इस डूबी हुई मैशत को उन्होंने उठाया हुआ है जिस तरह वो अपने इस्तेमाल जो आप लोगों पर की जाती है ना महंगाई की बात है तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं आशा साहेबा इस चीज़ का हमें भी एहसास था लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो तीस हज़ार अरब रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ था अगर हमें हमने अभी ग्यारह हज़ार अरब रुपए कर्ज लिया जो हमारे हमारी हुकूमत में उसमें से छः हज़ार अरब रुपए तो हमने इनका ब्याज उतारा उसके बाद तीस तीन हजार अरब रुपए जो है हमने उस डॉलर जो बढ़ गया उसकी कीमत बढ़ गई तो उसका हमने दिया अब सिर्फ ढाई हजार अरब रुपए में आप जो हैं उसमें कोरोना वाली मैशत को भी आप स्टेबल कर रहे हैं आप मुल्क को भी चला रहे हैं आप आर्मी को भी दे रहे हैं आप उसको भी दे रहे हैं टाइम थोड़ा है हाँ जी फिर भी मैं ये कहूँगी वजीर आजम साहब उसको बिल्कुल रिलीफ और आप अभी इनशाला इनशाला इक्कीस फेबर से जब हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे हमें तो बहुत तो हो जाएगा डॉक्टर समीना मतलूब हल्का बाब में हम यही बात कर रहे थे कि आपको आ, हमारे साथ रहना चाहिए ताकि हम आपके साथ कंटिन्यूटी से बात आगे बढ़ाएं क्या कर रही हैं सेनेट के इलेक्शन के नतज पर यूसुफ रजा गिलानी पर भी तनकीद हो रही है बासठ तिरसठ के हवाले से साद कमीन होने के हवाले से हफीज़ शेख पर भी तनकीद हो रही है कि वो जो है पी टी आई वाले पी टी आई में नहीं है और वह हैं और कहीं ये किसी दबाव के तहत दोनों पर बात हो रही है आप सूरत हाल को किस अंदाज में देख रही हैं हम उस, उसे ये नहीं कह सकते कि वो अवाम में से निकल के नहीं आया हुआ उसने अवाम को पूरा सर्विसेज दी हुई है और हफीज साहब ने क्या किया हुआ है और बाकी जो इ, 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 इन, इन लोगों ने शहजाद अकबर को क्या ने क्या किया क्या किया हुआ है आप मैं मैं समीना साहब टाइम थोड़ा रह गया मैं ये चाह रही हूँ कि आप बताएं क्या नतीजा आप देख रही है का। एक लाइन में बताएं फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ आप क्या नतीजा देख रही हैं मैं तो जी मुसलमान के नाते अल्लाह ताला से एक बड़ी उम्मीदें रख, रखती हूँ मैं पुर उम्मीद हूँ अल्लाह करे के जो फैसले हो वो बेहतरीन हो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन हो हमारी सेनेट के लिए बेहतरीन हो और हमारा मुल्क आगे की तरफ तरक्की बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी आप तो हम कर सकते हैं कि हमारी आवाम को रिलीफ मिले हमारे मुल्क को ट्रैक पर चले और ये बातें ना हो कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे बिल्कुल सही करें। है ठीक है डॉक्टर समीना आपका पॉइंट आया बहुत शुक्रिया अलका अहबाब में शरीक होने का क्लोजिंग ही नोट देना पड़ेगा कोई एक ही दो बात करनी पड़ेगी कि अवाम को तो रिलीफ ही चाहिए ये नाजरीन हल्का अहबाब में पहली दफ़ा है कि अपोजिशन और बी वाले लोगों ने दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू

सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस जो है देखिए ना सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जिसकी जितना भी कोटा बनता है ना जितना भी उसके वो उतना ही उत, उतना ही आना चाहिए ये तो नहीं होना चाहिए कि हमारी छह सीटें निकल रही हैं तो कोई हमारी सीट को उड़ा कोटा रहा तो आप समझती हैं कि पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह पीटीआई जरूर जीतेगी नाजरीन हमारे साथ दो एम एन ए रिस्पेक्टेबल खातन नुजरत पठान और डॉक्टर समीना मुझ, मतलूब मौजूद थी दोनों अलग अलग पार्टी से थी दोनों ने अपना मौक़ पेश किया हल्का अबाब में दो एम एन ए खाती इसलिए आईं कि एक तो खुत का करप्शन के मामलों से थोड़ा सा कम रहा होता है कम नाम आता है और दूसरा यह है कि सेंनेट के, के एलेक्शन में एम एन एम पी ए का करदार बड़ी अहमियत रखता है अवाम एम एन एम पी ए को मंतख करते हैं उन्हें चाहिए कि बेहतरीन अफराद का इंतखब करें क्योंकि उन्होंने आगे जाके सेनेटर मंतख करना है जहाँ मंडी लग गई जहाँ अरबों और करोड़ों की बात शुरू होगी एक गरीब मुल्क जहाँ सारे आप लोग रोला डाल रहे हो कि जी महंगाई है गुर्बत है बेरोजगारी है वहाँ से कहाँ से निकल आए सैनिटर जो अरबों की बोली पर चले गए ये मंडी कारोबारी हजरात से लगती है जो कि एफिलियशन है उनकी सियासतदानों के साथ खुद सियासतदान भी वो जो कि अभी हमारे रोजनाना पाकिस्तान में भी है कि क्यों आप मुलिस होते हैं जब इकतदार में होते हैं तो फिर आप कारोबार न करें या इकतदार का लालच करें या कारोबार को आगे बढ़ाएं हर चीज ही आप चंद लोग ले जाएंगे तो फिर क्या होगा क्योंकि पैसा मैं नहीं निकाल रही सेनेट के इलेक्शन में आपके सामने आ रहा है कि सत्तर से अरबों की तक बात पहुँच चुकी है हल्का अहबाब से ऐशा मसूद को इजाजत दीजिए अला हाफिज Música